Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ डॉली का कॉटन थ्रेड लिया है। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। 7 नंबर 0.95 mm की हमने यहाँ पर नीडल ली है। ये नीडल मैंने लोकल मार्केट से ली थी, लेकिन आपको ये जहाँ से आप थ्रेड परचेस करोगे, प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको इस तरीके की नीडल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने स्लिप नट लेकर डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ये डिज़ाइन मैं आपको अलग से बता रही हूँ, जिसे आपको टेलर के थ्रू कपड़े पर स्टिच करवानी होगी। स्लिप नट ले लेंगे हम। स्लिप नट लेकर 10 चैन बनाएंगे। 10 बार हमें चैन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 चैन लेकर, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके यहाँ से आपने फोर्थ गैप में 1, 2, 3 and 4 फोर्थ गैप में आपने डबल क्रोशियो बनाना है। डबल क्रोशियो बनाने के बाद आपने लेनी है 3 चैन 1, 2 and 3 3 चैन लेकर, जो ये फर्स्ट वाला यहाँ से जो चैन है, चैन का गैप है फर्स्ट, उसमें हमें डबल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। अब 3 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे 1, 2 and 3 और जो ये फर्स्ट गैप है, इस गैप में हमें 5 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 अब जो ये डबल क्रोशियो है, उसके ऊपर हमें 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। फिर इसके बाद जो ये वाला गैप है, इसमें हमें 6 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इस तरीके से। तो ये टोटल यहाँ से और ये 3 चैन भी हम काउंट करेंगे एज अ डबल क्रोशियो, तो टोटल यहाँ पर 13 टाइम्स हमारे डबल क्रोशियो बन गए। अब हमें लेनी है 5 चैन 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे और फर्स्ट एंड सेकेंड दो गैप छोड़कर थर्ड के ऊपर हमें डबल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। दो गैप स्टार्ट के हमने छोड़ दिए और थर्ड के ऊपर हमने डबल क्रोशियो बनाया। फिर 1 चैन लेंगे और नीचे एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप पर हम डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप पर डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप पे 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। एंड द लास्ट 1 चैन लेंगे और स्टार्ट में हमने जो ये 3 चैन ली थी, उसकी 3rd चैन के गैप में हमें नीडल डालनी है और डबल क्रोशियो बना लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ये गैप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 टाइम हमने यहाँ पर गैप्स बना लिए। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट इसलिए कर रही हूँ ताकि जब आप बनाने बैठोगे तो एग्जैक्टली आपका सेम ऐसे ही बनना चाहिए, तभी आपकी डिज़ाइन परफेक्ट बनेगी। अब आपने लेनी है 1 चैन और टर्न ले लेना है। टर्न लेने के बाद फर्स्ट गैप में आपने 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, फिर डबल क्रोशियो के ऊपर 1 टाइम डबल क्रोशियो सिंगल क्रोशियो बनाना है। फिर गैप है, इसमें हमें 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, फिर डबल क्रोशियो हो उसके ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, फिर गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, डबल क्रोशियो के ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, गैप में 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाना है, डबल क्रोशियो के ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे और ऐसे ही इस डबल क्रोशियो तक बनाएंगे। और जो स्टार्ट में हमने ये चैन ली थी, इसमें हमें
दो बार सिंगल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन कुछ हमारी ऐसी बन जाएंगी। अब हमें लेनी है यहाँ पर 6 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 चैन बनाकर इस गैप में यहाँ से क्रॉस में आ रहे हैं। इस गैप में वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। गैप में मत बनाओ, यहाँ पर जो ये डबल क्रोशियो के जो दो धागे हैं इसके ऊपर बना लो तो और ज़्यादा फिनिशिंग में दिखेगी डिज़ाइन इस तरीके से। फिर लेंगे हम 3 चैन, फिर ये जो गैप है इस गैप में बनाएंगे वन टाइम डबल क्रोशियो। फिर लेंगे 4 चैन, 1, 2, 3 एंड 4 4 चैन लेकर ये जो हमारा जो ये फर्स्ट चैन का जो ये गैप है इसमें हमें वन टाइम डबल क्रोशियो बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने दो गैप पर डिज़ाइन बनाई थी, अब यहाँ पर 3 गैप पर डिज़ाइन आएगी। तो उसके लिए अब हम लेंगे फिर 3 चैन, टर्न ले लेंगे और इस गैप में 5 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर इस गैप में 5 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर ये जो डबल क्रोशियो है इसके ऊपर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे और इस गैप में 6 टाइम डबल क्रोशियो बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ये 6 टाइम डबल क्रोशियो बनाने के बाद अब आप जब ये काउंट करोगे तो यहाँ पर ये 3 चैन के साथ में 19 टाइम्स डबल क्रोशियो होगा, तो ये आपने काउंट कर लेना है। 19 डबल क्रोशियो बनने के बाद आपने अगेन 5 चैन लेनी है। 5 चैन लेकर आप टर्न ले लोगे, दो गैप स्टार्ट के छोड़कर थर्ड गैप पर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाओगे। फिर लोगे आप 1 चैन, फिर एक गैप छोड़कर वन टाइम डबल क्रोशियो, फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पर डबल क्रोशियो, फिर 1 चैन, फिर एक गैप छोड़कर नेक्स्ट पर डबल क्रोशियो और ऐसे ही एंड तक अब आपने बनाते जाना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और साथ ही मेरा एक और चैनल है अरबिना बुटीक, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। अब जो एंड लास्ट वाला डबल क्रोशियो बनाएंगे वो हम स्टार्ट की 3rd चैन के ऊपर बनाएंगे इस तरीके से। अब 1 चैन लेंगे, सॉरी 1 चैन लेकर टर्न लेंगे, फर्स्ट गैप में वन टाइम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, गैप में वन टाइम डबल सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम सिंगल क्रोशियो बनाएंगे और ऐसे ही हम एंड तक बनाते जाएंगे। डबल क्रोशियो के ऊपर सिंगल क्रोशियो, गैप में सिंगल क्रोशियो, फिर डबल क्रोशियो के ऊपर सिंगल क्रोशियो और मैं एंड तक आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। अब जो ये लास्ट वाला गैप है चैन का, इसमें हम दो बार सिंगल क्रोशियो बनाकर ही एंड करेंगे, हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम लेंगे फिर से 6 चैन, ये डिज़ाइन हमारी कुछ ऐसी बनती जाएगी, बहुत ही प्यारी लेस डिज़ाइन लगती है ये। अब हम लेंगे 6 चैन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 चैन लेकर
ये जो गैप का ये डबल क्रोशियो के जो दो धागे हैं इस पर हम वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर लेंगे हम थ्री चैन और फिर इस गैप में, ये वाले गैप में हम बनाएंगे डबल क्रोशियो। फिर लेंगे हम फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाकर यहाँ पर आप काउंट करो वन एंड टू, टू गैप छोड़कर थर्ड गैप, इट मीन्स कि ये वाले डबल क्रोशियो के ऊपर हमें वन टाइम डबल क्रोशियो बनाना है इस तरीके से। अब सेम डिज़ाइन फॉलो होगी, ये 13 वाला नहीं 19 वाला हम फॉलो करेंगे। अब जितनी भी आगे डिज़ाइन बनेगी ये 19 डबल क्रोशियो वाली ही बनेगी। तो अब आपने यहाँ पर थ्री चैन लेकर टर्न लेना है और फर्स्ट गैप में बनाना है आपने फाइव टाइम डबल क्रोशियो, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से। फिर आपने इस गैप में सॉरी इस डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाना है, फिर इस गैप में फाइव टाइम डबल क्रोशियो बनाना है, फिर डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाना है, फिर इस गैप में सिक्स टाइम डबल क्रोशियो बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब ये जब आप काउंट करोगे तो ये 19 टाइम्स बना हुआ होगा। अब आपने लेनी है वन टू थ्री फोर फाइव चैन और टर्न ले लेना है, दो गैप छोड़कर थर्ड गैप के ऊपर आपने पहले डबल क्रोशियो बनाना है, उसके बाद वन चैन लेनी है और वन चैन लेकर फिर हर एक गैप में एक गैप छोड़ते हुए नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोशियो बनाते हुए एंड तक आपने इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर इसकी इतनी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हम वन चैन लेकर टर्न लेंगे, फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशियो, डबल क्रोशियो के ऊपर सिंगल क्रोशियो, गैप में सिंगल क्रोशियो और ऐसे ही हम एंड तक हर एक गैप में और डबल क्रोशियो के ऊपर एक एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। सिर्फ एंड वाले गैप में हमें दो बार सिंगल क्रोशियो बनाना है। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है, लास्ट में आप देखोगे मैंने टू टाइम सिंगल क्रोशियो बनाया है। अब हम लेंगे सिक्स चैन, अगेन सिक्स चैन लेकर आपने ये जो डबल क्रोशियो है इसके दो धागों पर आपने डबल क्रोशियो बनाना है। फिर लेनी है आपने थ्री चैन, वन टू थ्री, फिर इस गैप में सिंगल डबल क्रोशियो बनाना है। फिर लेनी है आपने फोर चैन, सॉरी, और फिर यहाँ से आपने काउंट करना है वन टू, और ये जो डबल क्रोशियो है इसके ऊपर आपने थर्ड गैप में डबल क्रोशियो बनाना है। तो ये इतना थ्री गैप्स हमारे बन गए। अब यहीं से डिज़ाइन ये वाली स्टार्ट होगी, पहले थ्री चैन लेंगे, फिर इस गैप में फाइव टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फाइव, देन डबल क्रोशियो के ऊपर वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर गैप में फाइव टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आएगी वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके इस तरीके से। फिर जो ये डबल क्रोशियो है उसके ऊपर हम वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे एंड देन लास्ट इस गैप में हम सिक्स टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से। अब ये 19 टाइम्स हमारे डबल क्रोशियो बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमने बनाना है यहाँ पर फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव,
फाइव चैन लेकर टर्न ले लेंगे, दो गैप छोड़कर थर्ड गैप पर पहले हम वन टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर वन चैन लेकर एक गैप छोड़कर एक पर डबल क्रोशियो, और ऐसे ही हम एंड तक आप बनाते जाएंगे। वन चैन नीचे स्किप करेंगे वन गैप, और नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोशियो, ऐसे एंड तक आपने बनाना है। फिर आपने लेनी है वन चैन और टर्न लेकर हर एक गैप में विथ हर एक डबल क्रोशियो के ऊपर सिंगल क्रोशियो बनाते जाना है इस तरीके से। एंड तक आप ऐसे ही बनाते जाओगे। सो गाइज, यहाँ पर हमने इसे इतना कंप्लीट किया है। अब ऐसे ही आप इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाओगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और लेंथ बनाकर बताती हूँ। ये देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने इसकी इतनी लेंथ बनाई है, और ऐसे ही इसे आपने कंटिन्यू फॉलो करना है। जितनी आपको लेंथ बनानी है आप इसे ऐसे ही बनाते जाओगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज।